नमस्कार, स्पोर्ट्स की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। फीफा विश्व कप में आज 4 मैच खेले जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस टकराएंगे। शाम 6:30 बजे अर्जेंटीना और आइसलैंड की टक्कर होगी। रात 9:30 बजे पेरू की भिड़ंत डेनमार्क से होगी और आज का आखिरी मुकाबला रात 12:30 बजे क्रोएशिया और नाइजीरिया के बीच है। अफगानिस्तान के पहले टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान की पहली पारी को केवल 109 रनों पर समेटकर उसे फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर कर दिया है। इस ऐतिहासिक टेस्ट के दूसरे दिन के पहले सत्र में भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 347 रनों से आगे खेलना शुरू किया तो पूरी टीम 474 रन बनाकर आउट हो गई। जॉस गिमेनेज की ओर से अंतिम मिनट में सिर से किए गए गोल के दम पर उरेव ने एकातेरिनबाद स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए संघर्षपूर्ण मैच में मिस्र के खिलाफ 1-0 से जीत हासिल की। इस मैच में मिस्र के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह की कमी साफ नजर आ रही थी क्योंकि उनकी टीम का फॉरवर्ड उरेव के डिफेंस को भेदने में असफल रहा। फीफा वर्ल्ड कप 2018 के पहले मुकाबले में रूस के खिलाफ 5-0 से हारने की वजह से सऊदी अरब की टीम मुश्किल में पड़ गई है। रूस के खिलाफ पहले मैच हारने पर कुछ खिलाड़ी सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन के निशाने पर आ गए हैं। फेडरेशन ने इन खिलाड़ियों पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का फैसला किया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली का आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज में खेलना तय है, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाज अमित रायडू नाकाम रहे और इंग्लैंड दौरे से बाहर रह सकते हैं। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि कप्तान विराट कोहली समेत सभी खिलाड़ियों ने योयो टेस्ट पास कर लिया है। इंग्लैंड जाने वाली टीम में सिर्फ रायडू है जो इसमें नाकाम रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे एंड लाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।